3, 2, 1, action. Well, how's it going? Let's go. Istanbul. आगे चलते हैं। कुछ और important questions, ठीक है? एक दो question और देख लो। एक question है पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये question आपको अपने आप से try जरूर करना है, ठीक है? U is equals to, जब तक अपने आप से question को try नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएंगे। U is equals to log of tan x plus tan y। या आपको एक function दे रखा है U is equals to log of tan x plus tan y। आपको क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि sin 2x into del u over del x plus sin 2y into del u over del y। ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये आपका यहां पे 2 के बराबर, ठीक है? ये आपका प्रूफ, ये है 2 प्रूफ। आराम से करोगे, बहुत आराम से क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? सिंपल चेन रूल, जब इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले तो log x का क्या हो जाएगा? 1 by x, 1 अपॉन में tan x plus tan y into, अब अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x पहले, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। tan x का डिफरेंशिएट हो जाएगा sec स्क्वायर x, tan y का जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर आप इसे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, वैल्यू डालना, थोड़ा सा सॉल्व, बहुत थोड़ा सा सॉल्व, पक्का बहुत आराम से आंसर आ जाएगा आपका अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे। समझ आ गई ये बात? नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे अब एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन करवाता हूं जो सीधा सीधा यूनिवर्सिटी में आने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है? ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? लिखा है कि एफ थीटा इज इक्वल्स टू टी रेज टू पावर एन इंटू ई की पावर, क्वेश्चन बहुत बड़ा, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 4t। थीटा इज इक्वल्स टू टी की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। आपको बताना है फाइंड एन, आपको क्या करना है? आपको फाइंड एन विच विल मेक, ठीक है, आपको एन का वैल्यू बताना है, किस लिए? कि आपको ये आना चाहिए सॉल्व होकर के, डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डेल ओवर डेल आर, ठीक है? इसके बाद आर स्क्वायर इंटू डेल थीटा ओवर डेल आर। अच्छा, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं। थीटा इज टी की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, आपको बोला हुआ है फाइंड एन, फॉर विच इट विल मेक डेल थीटा ओवर डेल टी इक्वल्स टू 1 बाय आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल आर। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपको ये बोला हुआ है कि ये चीज ट्रू हो जाए, ऐसी एन की क्या वैल्यू, एन की क्या वैल्यू हो कि ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाए। अच्छा, कैसे होगा? क्या क्या चाहिए देखो फटाफट से, क्या क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए डेल थीटा ओवर डेल टी, निकालना स्टार्ट करो फटाफट। अपने आप से वीडियो को जरूर पॉज करो, एक बार करने का ट्राई करो, नहीं हो पाता फिर देखो। डेल थीटा ओवर डेल टी, इससे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो मैं अब जल्दी जल्दी करूंगा, डेल थीटा ओवर डेल टी आपको इसे डिफरेंशिएट करना पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान से समझना, पहले मैं लिख लेता हूं, भाई कॉपी कर लेता हूं उसको। यहां पर t की पावर n into e की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन में 4t। अच्छा, समझना जरा ये बात को, या इससे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पे दो टर्म है, t इसमें भी है, t इसमें भी है, तो क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे, कोई भी टर्म सीधा सीधा कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने लिखा डेल थीटा ओवर डेल टी, मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ई पावर टी का डिफरेंशिएट, इस पूरे को मैं टी मानूंगा, चेन रूल लगाऊंगा, ई की पावर टी क्या आ जाएगा, वही सेम चीज आ जाएगी, ई की पावर में माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर टी। फिर जिसे टी माना है उसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूंगा मैं। अच्छा, अब ये मुझे डिफरेंशिएट करना है किसको, माइनस आर स्क्वायर अपॉन में फोर टी को, माइनस आर स्क्वायर अपॉन में फोर टी को, तो होगा क्या, माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर तो कॉन्स्टेंट हो गया। अब आर कैसे कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट हो रहा है, तो आप आर को क्या मानोगे, कॉन्स्टेंट, तो माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर बाहर आ गया। क्या बच गया डिफरेंशिएट के अंदर, वन बाई टी, वन बाई टी का डिफरेंशिएट क्या आएगा, वन बाई टी मतलब टी की पावर माइनस वन, माइनस वन के आगे टी की पावर एक कम करोगे, माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर, यह डायरेक्टली याद होता बच्चों को वैसे तो, पर फिर भी माइनस वन बाय टी स्क्वायर। बोलो जी कोई दिक्कत, इस तरीके से आराम आराम से पार्शियली डिफरेंशिएट करना, जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो जल्दबाजी में आता होता है बच्चों को, फिर भी गलती कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए ध्यान से एक बार देखो, फर्स्ट एज इट इज रखा है, सेकेंड को आप पूरा का पूरा डिफरेंशिएट कर चुके हो, ठीक है, इसे पहले एज इट इज रखा, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि ये चीज पहले कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 by t का माइनस 1 by t स्क्वायर होगा, क्या खत्म हो गया डिफरेंशिएट, डेल्टा का डेल्टा निकल लिया, नहीं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड को डिफरेंशिएट किया तो बस, अब प्लस, अब प्लस आएगा, अब सेकेंड एज इट इज रहेगा, e के पावर में माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर टी, ये देखो, ठीक है, सेकेंड एज इट इज रहा, अब इंटू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अब पावर उठ के आगे आएगी, टी की पावर एन का डिफरेंशिएट, पावर उठ के आगे एन उठ के आगे आ गया, टी की पावर एक कम हो गई, एन माइनस वन हो गया हमारा डेल टी का ओवर डेल टी सॉल्व। इस पूरे को मैं मेरा फर्स्ट फंक्शन, कोई दिक्कत, चीजें समझ में आई अभी तक, मैंने अभी मेरा एनएचएस निकाल लिया पूरा, ठीक है, मेरा एनएचएस मैंने पूरा निकाल लिया, अच्छा, अब मैं देखता हूं आरएचएस कैसे मिलेगा मेरे को, तो देखो आरएचएस अगर मुझे चाहिए तो मुझे कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे थीटा को पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर जो डिफरेंशिएट होके आएगा उसमें मैं आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद जो पूरी की पूरी जो चीज बनेगी उसे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, उसके बाद उसे बन पाए आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तब जाकर के मेरा पूरा का पूरा आर एच एस निकल के आ पाएगा। अच्छा, यानी काफी मेहनती है ये क्वेश्चन, बहुत मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन में, ध्यान ध्यान से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, डेल थीटा ओवर डेल आर निकालने के क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है थीटा को विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, थीटा मेरा ले रहा, इसे आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो मेरा टी क्या हो जाएगा, टी मेरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ध्यान से देखो, अच्छी बात है हमारे लिए, आर केवल एक टर्म है, अगर आर केवल इस टर्म में है तो ये वाला टर्म क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, यानी कि टी की पावर एन क्या आ गया, डायरेक्टली बाहर आ गया, अच्छी बात, टी की पावर एन बाहर आ गया, डिफरेंशिएट के अंदर क्या बचा, बस ये चीज, और कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, पहले ये ई की पावर आर हो जाएगा, पहले ये पूरा का पूरा बाहर निकालो, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में फोर टी, पहले ये पूरा का पूरा एज इट इज आएगा, उसके बाद आप इस चीज को पार्शियली डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या होगा, माइनस का वन अपॉन में फोर टी बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, माइनस का वन अपॉन में फोर टी, है कि नहीं समझ आ रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट हो रहा है,
तो मेरा टी क्या हो गया कॉन्स्टेंट, इसीलिए मेरा जब मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं तो माइनस वन अपॉन फोर टी मेरा कॉन्स्टेंट आ जा रहा है, अंदर बच गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन अब जाके आया टू आर वन, लो जी ठीक है, डेल थीटा ओवर डेल आर हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान था ठीक है। एक टर्म मेरा कॉन्स्टेंट ही हो गया था, टी की पावर एन वाला वो पहले बाहर गया, फिर ये चीज रह गई, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू आर, पहले यही उठ के आगे आएगा, फिर अंदर वाली चीज को पावर को ऑब्वियसली आप चेन रूल लगा के आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो जो टी वाली चीजें थी और जो कॉन्स्टेंट थे वो सारे बाहर आ गए, टी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, आर स्क्वायर बचा टू आर ठीक आ गया। अब देखो डेल थीटा और डेल आर आ चुका है, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, आर स्क्वायर से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, इधर भी आर स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई, अगर मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि टू आर क्यूब हो जाएगा, बोलो क्लियर, यहां पे आर था ना, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर क्यूब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आगे बात। अच्छा अब क्या, अब आपको इस पूरी की पूरी चीज को अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, अच्छा ये है पूरी की पूरी चीज, आपको इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है कैसे विद रिस्पेक्ट टू आर, देखो यहां पे कर देता हूं मैं, यहां पे कर दूंगा ठीक है, अब दोनों तरफ आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, यहां मैं लगा देता हूं डेल ओवर डेल आर, ये मेरा होगा, इसको मैं हटने दे यहां से, इसे दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू आर, लो जी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ठीक है, देखो आराम से इस पूरे को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर कैसे होगा, टी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, पहले टी को बाहर निकाल दो ठीक है, टी पावर एन बाहर आएगा, ये देखो माइनस एन बाय फोर टी, ये पूरी के पूरी चीज क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी, सब बाहर निकाल दो, टी की पावर एन बाहर आ गई, माइनस वन अपॉन फोर टी ये बाहर निकाल दो ठीक है जी, बाहर आ गए, अंदर क्या चीज रह गई, अंदर बचे आपकी दो चीजें, अच्छा टू भी मेरा कॉन्स्टेंट है, टू भी बाहर आ जाए, टू भी बाहर निकाल लिया, टू बाहर निकाल लिया ठीक है, दो चीजें रह गई, एक मेरा ये टर्म बचा है, एक मेरा ये टर्म बचा है, इसमें आर है ठीक है, एक मेरा आर क्यूब बचा है, आर क्यूब टू नहीं बचा, टू बाहर है कॉन्स्टेंट, एक आर क्यूब है एक ये है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन करो डिफरेंशिएट, पहले फर्स्ट एज इट इज, पहले फर्स्ट एज इट इज ठीक है, ई के पावर में माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर टी फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का पार्शियल डिफरेंशिएट आर क्यूब को डिफरेंशिएट करो थ्री आर स्क्वायर, समझ गए कोई दिक्कत, अच्छा अब आएगा प्लस, फिर आर क्यूब ऐसी रहेगा, आर क्यूब ऐसी रहेगा और इसका अगेन डिफरेंशिएट होगा, जब इसका अगेन डिफरेंशिएट होगा तो ऑब्वियसली ये खुद आएगा पहले e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर टी ठीक है, उसके बाद पावर को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे माइनस एन बाय फोर टी, अब तो आ गया होगा यार इतनी बार कर लिया ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा टू आर, बोलो यार आगे समझ,
आसान लग रही है चीजें, मुश्किल तो नहीं लग रही कभी। क्वेश्चन ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया था, थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लगाना पड़ता है सवाल को करने के लिए। पहले मैंने डेल थीटा ओवर डेल आर निकाला, फिर उसने उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखा, मैंने इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, फिर इसे ही ये जो पूरी चीज बनी इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर, मैंने इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर। अब मेरा ये पूरा का पूरा चीज आ चुका है, अब मेरा ये पूरा का पूरा चीज आ चुका है। अच्छा, अब जरा सोचो, आराम से देखो, ध्यान से इसको इसको ध्यान से देखो और इसको देख के समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। अच्छा एक काम करते हैं, और अभी ये पूरा का पूरा चीज 1 बाय आर स्क्वायर से और इसका मल्टीप्लाई कर रखा है, तो एक काम करते हैं कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई। भाई यही एक चीज रह गई करने को, 1 बाय आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करना, वो भी कर दो। ठीक है, लिख के नहीं दिखा रहा, सीधा यहां पर 1 बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अगर 1 बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, इधर है आएगा आर स्क्वायर 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, अंदर भेज दो 1 by r square, आपने अंदर भेजा, इस टर्म में 1 by r square से मल्टीप्लाई हुआ पहले, ये है r square, क्या होगा r square obviously कट हो जाएगा, तो ये r square मेरा कट हो गया। कैसे ऐसे करता हूं, 1 by r square से मल्टीप्लाई किया तो आपने यहां r square आ गया, अंदर इधर भी r square, अब ठीक है, ठीक है, अब r square ये कट गए। अच्छा उधर भी चीजें यही हो रही है, देखो ध्यान से देखना, ये आर क्यूब, ये एक आर, आर क्यूब और आर, आर पावर फोर, आर पावर फोर, ये आर स्क्वायर, ये कट, ये एक आर कट, इधर से एक आर गया, ये आर स्क्वायर बन गया। बोलो जी, आई चीजें समझ में नहीं आई, क्लियर हो रही है बात, कहीं कोई डाउट कोई दिक्कत, ध्यान से देख लो एक बार, अपने आप से क्वेश्चन ये वाला प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, वरना नहीं आ रहा होगा, जब तक अपना हाथ नहीं चलाओगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये मेरा आ चुका पूरा का पूरा आर एच एस, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा आर एच एस सॉल्व होकर के आ चुका। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा एलएचएस और आरएचएस को, है ना, अब मुझे क्या करना है, मेरे को एलएचएस को आरएचएस से कंपेयर करना है, तो ध्यान से देखना, कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसको इससे कंपेयर करो, एक तो ये भी चीज अभी करनी पड़ेगी आप मेरे को, ये देखो ये टू और ये फोर क्या होगा, कैंसिल, है ना, ये टू और ये फोर हमको कैंसिल करना पड़ेगा, टू और ये फोर कैंसिल, इसको मैं टू बना दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको मैं ये दिखाता हूं, देखो यार ये सिंप्लीफाई और होता जा रहा है, टी की पावर एन, एक टी नीचे है तो ये आएगा टी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, टी की पावर एन, एक टी नीचे है, टी की पावर एन माइनस वन, यहां पर माइनस, यहाँ पे माइनस है, एक काम करते हैं इस माइनस को बाहर जैसे मर्जी कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहिए ऐसे कर देते, माइनस में इन्हें बाहर रखा, माइनस टी की पावर है माइनस वन, डिवाइड में टू है, डिवाइड में टू, डिवाइड में टू। अच्छा अब आगे वाली पूरी चीज, अच्छा आगे वाली पूरी चीज में ध्यान दो जरा, ध्यान दो इधर देखो, यहाँ है ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर टी, और यहां भी क्या है e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 4t, यानी कि ये टर्म कॉमन आ रहा है e की पावर में माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, समझ आएगा, क्लियर, ये मैंने चीज सॉल्व कर दी है, इसमें से मैंने ये कॉमन लिया है। अब आप क्या, अब यहां पर क्या रह गया, इधर रह गया 3, इधर मुझे 3 दिख गया, ठीक है, अच्छा और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा प्लस आर स्क्वायर रह गया माइनस एम आर फोर टी, अच्छा ठीक है इसको जान दो, ये टू ये फोर ये टू हो गया, ठीक सिंपलीफिकेशन, सिंपल सिंपलीफिकेशन, ये थ्री
यहाँ आर स्क्वायर, थ्री प्लस आर स्क्वायर, उसके बाद ये चीज आप बाहर ले गए हो, एक माइनस वन बाय टू टी रह गया यहाँ पर, और वो टू कैंसल आउट हो चुका, वो आर कैंसल आउट हो चुका, यहाँ रह गया माइनस वन बाय टू टी। अच्छा ठीक है, बस आ गया आंसर, आ गया आंसर। यहां पर आप ध्यान दे रहा है LHS सामने पर, ये रहा मेरा LHS, ये रहा मेरा RHS, यहां है t की पावर n, यहां का t की पावर है माइनस वन। अच्छा यहां इधर ध्यान दो, e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर टी, e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर टी, ठीक है। आगे अच्छा इधर ध्यान दो, इधर इधर मैंने e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर टी को कॉमन नहीं लिया, t की पावर n माइनस वन आ रहा है, t की पावर n माइनस वन मेरा आ रहा है। अगर मैं t की पावर n माइनस वन को कॉमन ले लूं इधर से तो मेरा ये बन जाएगा, e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर टी को कॉमन ले लूं मेरा ये बन जाएगा, और अंदर ये देखो आर स्क्वायर बाय फोर। अच्छा ध्यान दो जरा, एन किधर है, एन ये रहा, एन मेरा ये रहा। अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं इस पूरे टर्म को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, यह आएगा माइनस का थ्री अपॉन टू e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर टी इंटू टी रेस टू पावर एन माइनस वन, आएगा कि नहीं आएगा। इसको उठाओ और इससे कर दो मल्टीप्लाई, बस जैसे आप इसको उठा के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दोगे तुरंत आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि ये क्या बन रहा है, ये आपका माइनस का थ्री बाय टू आ रहा है एन की जगह पर। भाई ये पूरा का पूरा टर्म इसके पहले टर्म के एकदम एग्जैक्ट मैच, इसका ये वाला टर्म इसके अगले टर्म के एकदम मैच, कंपेयर करो इनका वैल्यू माइनस थ्री बाय टू आ रहा है, करके दिखाऊं क्या। इसको उठाओ बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ये पूरा का पूरा डिक्टो इसके जैसा दिखेगा आपको, इसका पहला टर्म बस इसके दूसरे टर्म से मैच हो रहा है, इसको आगे पीछे प्लस, ऑब्वियसली प्लस का आगे पीछे मैटर नहीं करता, माइनस थ्री बाय टू आएगा इनका वैल्यू। यार अब इतना तो कर लो ठीक है, ये एन का वैल्यू माइनस थ्री बाय टू, सारा सम सॉल्व हो चुका है, एकदम एग्जैक्ट मैच आ जाएगा जैसे ही आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर करोगे। एन मेरा ये रहा, एन यहां से मुझे पता चल रहा है माइनस का थ्री अपॉन टू आ रहा है। अच्छा भाई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन, काफी चीजें करने की, पर अब उम्मीद है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे वो चीज आ गई होगी, और ये क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, देख के पता चल गया होगा, करते करते अपना पता चल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है एक अच्छा क्वेश्चन, छह नंबर में पांच नंबर में ये सीधा आ सकता है। ठीक है अब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना अच्छे से आ गया है, अब हम कुछ आगे की चीजों पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि डेल यू ओवर डेल एक्स क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे आप ऐसे लिखो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसे आप ऐसे लिखो। लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं इस चीज को, इसको डेल यू ओवर डेल एक्स को एक बार अगेन डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर आप इसको कैसे लिखोगे, आपने कहा कि भाई डेल यू ओवर डेल एक्स को एक बारी और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब बोले कैसे लिखा जाएगा, अभी लिखा जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है अगर मैंने कहा इसे डिफरेंशिएट कर दो अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बताइए क्या बन गया, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बन गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज ऐसे लिखी जाए। अच्छा आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, इसे आप सिंगल था ये डेल यू ओवर डेल एक्स था तो यू एक्स,
डेल यू ओवर डेल वाई तो यू वाई, अब डेल टू यू ओवर डेल एक्स वाई को कैसे लिखोगे? यू को एक्स एक्स ऐसे लिखेंगे, मतलब दो बार डिफरेंशिएट हुआ यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार डिफरेंशिएट हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर अगेन डिफरेंशिएट हुआ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, यहां पर आपने क्या किया, यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करा एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा समझ आ गई बात, इसका इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब बता रहा था बस, इसका मतलब ये है कि u को डिफरेंशिएट कर दो बारी विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है कि u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो बारी विद रिस्पेक्ट टू y, समझ आ गई। अब देखो अगर लिखा हो u x y तो क्या हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये बताने के लिए बता u x y। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा पहले डिफरेंशिएट करो u को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, गलत। इसका मतलब ये है कि पहले वाई के रिस्पेक्ट में होगा फिर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ये कब बनेगा, डेल यू ओवर क्या होगा, डेल यू ओवर डेल वाई, ये होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे इसको ऐसे लिखना, एक्स पहले देखो वाई, समझ आ गया, तो इसको आप ऐसे लिखो डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, मतलब क्या करना है, यू को पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोले समझ आ गई बात। अगर ये इतना लिखना, ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि इसको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी है, पता चला यू एक्स वाई देख करके पहले एक्स में डिफरेंशिएट कर दिया फिर वाई में, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, पहले इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, समझ में आ गई बात। अभी हम क्या बुलाते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स बुलाते हैं, आसान है, मतलब आपको बस डबल डिफरेंशिएट करना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है, इसलिए एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा सा जो आ रखा हो यूनिवर्सिटी में पहले भी वो कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आज पहले और ये करते हैं, अच्छा आसान क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है, ये साथ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, देखिए आगे चलो, आगे अब एक क्वेश्चन करना है, बढ़िया सा अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, आपको ये लिखा है कि u is equals to e power में x square plus y square plus x square, क्या बोल रहा है, u is equals to e power में x square plus y square plus z square, ये आपको फंक्शन दे रखा है और आपको ये प्रूव करने को बोला है, देखो बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन, ये मुझे समझाना है बस, ये देखो del cube u वाह del x del y del z, यूनिवर्सिटी में आया हुआ, ठीक है, देख लेने चाहो डेल पी यू ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और ये है एट एक्स वाई जेड यू, ये बराबर किसके है, एट एक्स वाई जेड यू, आपको बोल रहा है कि ये है आपका फंक्शन यू इज इक्वल टू दिस, और आपको ये प्रूव करना है कि ये चीज इसके बराबर है, भाई ये कैसे रिप्रेजेंटेशन, क्या हुआ U को पहले x में फिर y में फिर z में, नहीं गलत हो गया, ठीक है, अभी जो सीखा था उल्टा चलना है, जब ऐसे लिखा उल्टा चलते हैं, पहले u का पार्शियल डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू z, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू x, कितना प्यार देखो कितने प्यार से लिखेंगे हम इसको, del u over del z, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, देखो ये डेल टू यू ओवर डेल स्क्वायर वाई जेड, अब ये नहीं, आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये क्या लग रहा है, अब लग रहा है एकदम, तो देखो डेल थ्री यू डेल एक्स डेल वाई डेल, समझ आ गई बात,
यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट करो पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करना जो आ जाए, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना। जल्दी से करते हैं, देखो फटाफट। इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में। तो एक्स वाई मेरे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, फिर अभी तो पहले ई के पावर में है, सारा का सारा ऐसे ही आएगा, ई के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आना पड़ेगा मुझे, प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर अब अगेन इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हो तो ये वेरिएबल, ये तो कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएट जीरो, वाई स्क्वायर का जीरो, जेड स्क्वायर का टू जेड। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगला स्टेप विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो मेरा टू तो कौन सी, जेड कौन सी, वाई तो बस इसमें है ना, वाई वाला टर्म वाई बस है इसमें, तो टू और जेड क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, बस यही ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत आसान ही है। ई के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू किस में हो रहा है, अब वाई में हो रहा है, वाई में हो रहा है तो पहले तो यही आ गया, फिर वाई स्क्वायर के लिए टू वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जीरो हो जाएगा। अब ये जो पूरी चीज बन चुकी है, अब ये बन गई है मेरी, क्या बन गई है, ये टू टू जा फोर हो गया है, फोर वाई जेड इंटू ई पावर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा अब अगेन अगेन आपको ये पूरी चीज को अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू जेड हो गया, हाँ हो गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया, हाँ कर दिया, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर दो जल्दी से। फोर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, वाई क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, जेड क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो जल्दी से ये करो, ये लो ये लिखा आपने, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स, बताओ आ गया कि नहीं आ गया आंसर, फोर टू इज एट, एक्स वाई जेड इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, वो तो यू है, तो यू हो गया आंसर। बोलो भाई कोई दिक्कत, समझ आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था, अगर बस आपको ये खोलना आता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो वही चीज थी, आसान है, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आ सकते हैं, सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, वन शॉट लेक्चर जब होगा इसका तो और भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ हटके क्वेश्चंस ले लेंगे, कुछ और अलग क्वेश्चंस, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। बस करना बस यही है आपको, यार देखो कि क्वेश्चन में कौन से पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको निकालने की जरूरत है, उन्हें निकालो, उन्हें सब्स्टिट्यूट करो और अब सॉल्व करो, समझ आ गई बात, इजी चीज, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, अब हमने बेसिक सीख लिया है भाई, पार्शियल डेरिवेटिव करना सीख लिया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो गए हैं,